गेट 2004 में आया वन मार्क का क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट ए टू इनपुट जोर फंक्शन विदाउट यूजिंग एनी अदर लॉजिक फंक्शन, बिना किसी दूसरे लॉजिक फंक्शन को यूज किए हुए बिना हमें मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड, हमें ये जोर दिया गया है क्योंकि एक्सक्लूसिव और। ठीक, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, जैसे टू इनपुट दिए गए हैं तो टू इनपुट हम मान लो ए कॉमा बी, ए और बी क्या है, दो इनपुट है। ठीक, जोर फंक्शन भी, ठीक, तो ए जोर, ये जोर का साइन है बी, तो ए जोर बी हो गया। ठीक है, वाई इक्वल टू मान लिया मैंने, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट, ये सेम चीज है, जब इसको खोले वो, ठीक है, वो ये खुलता है, मतलब इसकी वैल्यू ये होती है, जब ए जोर बी इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट, इसके बराबर होता है। ठीक, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे हमारा ए और ए इस बी को और ए के साथ और ए कॉम्प्लीमेंट को बी कॉम्प्लीमेंट के साथ लिखें, कैसे लिखेंगे, जैसे ए प्लस बी और ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी। ठीक, अगर इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो सेम वैल्यू आएगी ये, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, करके बताऊं क्या, सुनो, ए का मल्टीप्लाई करो, ए का इसमें करो ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट, इस ए का बी के साथ तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस, अब बी का करो, ठीक, तो बी बी डॉट ए का कॉम्प्लीमेंट, बी बी का बी डॉट बी कॉम्प्लीमेंट, हमें पता है कि बी डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू जीरो, जीरो होता है, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी और ये जीरो हो जाएगी। ठीक, तो हमारा बचेगा क्या है, ए बी का कॉम्प्लीमेंट और बी ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सेम वैल्यू बचेगी, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, जैसे हमारा ये है ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट इसको ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट को इस तरह से, यानी कि ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट लिखें, इस तरह से लिख सकते हैं, जब इसको आप सिंप्लीफाइड करोगे, ठीक है, तो आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट डॉट का आ जाएगा प्लस और बी का आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हम इस तरह से लिख सकते हैं, और ये रिमेनिंग यानी कि ए प्लस बी लिख सकते हैं। ठीक, अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमारा ये है ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक, इसको मान लें हम एम, अगर इसको एम मान लें तो हमारा क्या बचेगा, वाई इज इक्वल टू एम ए प्लस बी, यानी कि एम इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी, ये हमारा किस फॉर्म में है, एस ओ पी फॉर्म, तो हमारा ये एस ओ पी फॉर्म में आ गया। ठीक, अब हमें नंबर ऑफ, अब सर्किट बनाना है, ठीक, उससे हमें पता चल जाएगा कितने नंबर ऑफ नैंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी। अब बनाइए, पहले इसका बनाओ फिर इसके, ठीक है, और दोनों को ऐड कर देना, तो नैंड गेट हमारा होता है यानी कि एंड का कॉम्प्लीमेंट,
ये ठीक। अगर हम यहाँ ए इनपुट दें, एम जो है वो ए और बी दोनों में कॉमन है, तो हम इस तरह से बनाएंगे ठीक इस तरह से कि एम यहाँ कॉमन आ गया, यहाँ बी, तो ए एम यानी कि ए इस नैंड गेट के लिए ए और एम इनपुट हैं, इसके लिए एम और इसके लिए बी, इसके लिए ठीक सेम हो गया। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी हमारी, ए डॉट एम का कॉम्प्लीमेंट, एंड का कॉम्प्लीमेंट है ना ये ठीक, तो यहाँ से ये आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा एम डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा यहाँ से ठीक। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ये प्लस लगा है ये दूसरा, सिर्फ नैंड गेट ही यूज करना है ठीक, यहाँ लिखा हुआ है विदाउट यूजिंग एनी अदर लॉजिक फंक्शन ठीक। अब इस नैंड गेट के लिए इनपुट हमारा है ये ए डॉट एम का कॉम्प्लीमेंट और ये एम डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ये भी होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसका जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी बाई इज इक्वल टू ए डॉट एम डॉट यानी कि बी डॉट एम कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट टोटल होल कॉम्प्लीमेंट ठीक, ये आ जाएगी। जब इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो इसके लिए ए डॉट एम का होल कॉम्प्लीमेंट का जो ये डबल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर आएगा, ये पहले से ही है तो डबल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ ए डॉट एम और इस डॉट का हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट इससे प्लस, और यहाँ से ये कॉम्प्लीमेंट दोनों हट जाएंगे, तो यहाँ से बचेगा बी डॉट एम यानी कि हमारा सेम आ गया। देखिए इस एक्सप्रेशन से बाई इज इक्वल टू एम ए प्लस एम बी, एम ए प्लस एम बी आ गया सेम, बट हमारे कितने हो गए, 1 2 3 हो गए यहाँ ठीक। और हमारा एम जो है, अगर एम को नैंड गेट के रूप में लिखें जैसे इस तरह से ए डॉट बी है ना, इस तरह से ए बी ठीक, इसको यहाँ कनेक्ट कर दो, इसको यहाँ, तो यहाँ से ए आ जाएगा, यहाँ से बी आ जाएगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो एम के बराबर हो जाएगी, यानी कि ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट ठीक, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, ए डॉट बी का होल कॉम्प्लीमेंट है ना, वो इक्वल टू एम, एम के बराबर है ठीक, सेम वैल्यू हो गई, इक्वल टू एम के बराबर हो गई। तो नंबर ऑफ गेट जो है नैंड गेट कितने हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 एंड 4, तो नंबर ऑफ नैंड गेट रिक्वायर्ड इक्वल टू 4, यही आंसर है।